ये घटना कानपुर जंगल की है, जहां कालू को वो अपने परिवार के साथ रहता था। उस दिन पूरा कानपुर रक्षाबंधन की खुशी में चमक रहा था। टुंटुई और कालू ने भी अपने परिवार के साथ इस रक्षाबंधन को खूब सेलिब्रेट किया। बंटी भैया अपनी कलाई दीजिए, हैप्पी रक्षाबंधन भैया। वो सब अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाते हैं। कालू जी, आज का दिन तो बहुत अच्छा गुजरा, सब परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाकर बहुत अच्छा लगा। हाँ टुंटुनी, तुम सही कह रही हो, त्योहार का मजा तो सबके साथ आता है। तभी कालू को ऑफिस से कॉल आता है, जिसकी वजह से ऑफिस के काम से उसे मणिपुर जंगल जाना था और देर रात में 4 बजे की फ्लाइट बुक थी। एयरपोर्ट पर जाने के लिए उनको जंगल के रास्ते से होते हुए हाईवे की तरफ से जाना था। वहाँ माना जाता है कि वो एक भूतिया रास्ता है, इसलिए डर की वजह से कोई भी पक्षी वहाँ से नहीं जाता। लेकिन कालू और टुंटुनी को इस एरिया से निकलकर एयरपोर्ट जाना था। ऊपर से रक्षाबंधन की रात थी और कहा जाता है कि इस रात उस भूतिया रास्ते पर रहने वाली भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की ताकत दुगनी हो जाती है। पर कालू को इस रास्ते पर काफी आना जाना था और उन्होंने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया जिससे उन्हें डर लगे। रात के 2 बज रहे थे जब कालू अपनी पत्नी टुंटुनी को लेकर टैक्सी की ओर निकला। वो भूतिया जंगल के रास्ते आते ही कुछ ही देर में कालू को रोड के कोने पर खड़ी एक चिड़िया दिखाई दी, जो अपने हाथ के इशारे से लिफ्ट मांग रही थी। कालू ने सोचा, अरे इतनी देर रात ये चिड़िया इस सुनसान रास्ते पर क्यों खड़ी है? अरे ड्राइवर, गाड़ी रोकना। टैक्सी ड्राइवर ने चिड़िया के पास जाकर गाड़ी रोकी और कालू ने उससे बोला, हम एयरपोर्ट तक जा रहे हैं, आइए हम आपको छोड़ देते हैं। उस चिड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया, वो नीचे मुंह करके खड़ी थी। घबराइए मत, हम आपको आगे तक छोड़ देंगे। उस चिड़िया ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। तभी साथ में बैठी टुंटुनी बोली, कालू कालू चलो यहाँ से, प्लीज चलिए यहाँ से। कालू कौवे ने बगल में देखा तो उसकी पत्नी टुंटुनी का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है और उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोला। और वो ड्राइवर उस चिड़िया की तरफ देख रहा था और उसे किसी चीज का कोई होश नहीं था। तभी उस चिड़िया ने अपना मुंह उठाकर कालू को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा थी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी तुम सबको, मैं अपनी मौत का बदला लूंगी तुम सबको मार कर। मेरी मौत भी रक्षाबंधन वाले दिन हुई थी, मैं अपने भाई को राखी नहीं बांध पाई, मैं बहुत गरीब थी, मैं राखी बेच कर अपना और अपने भाई का पेट पालती थी। लेकिन इसी रास्ते से मैं जा रही थी, लेकिन तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी ने मुझे जान से मार दिया। उस दिन से मैं इस रास्ते में आने वाले हर पक्षी को मौत की घाट उतार देती हूँ। ये देखकर कालू ने ड्राइवर को जोर से हिलाया और चीखा और उसने जल्दी से गाड़ी चलाई। वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उस भूतिया जंगल के रास्ते से बाहर निकलते ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। कालू की आंख अगले दिन हॉस्पिटल में खुली। उन्हें मालूम हुआ कि टुंटुनी कोमा में चली गई है और उस ड्राइवर की एक्सीडेंट होते ही मौत हो गई थी। करीब 4 महीने बाद टुंटुनी कोमा से बाहर निकली और अब दोनों वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू करा। मगर उस दिन से लेकर आज तक कालू और टुंटुनी रक्षाबंधन नहीं मनाते और उस भूतिया रास्ते के आसपास भी नहीं भटकते। रामपुर गांव में एक स्कूल था जो कई सालों से बंद पड़ा था। उस स्कूल को भूतिया स्कूल कहा जाता था, इसलिए कोई भी जिंदा पक्षी उस भूतिया स्कूल के सामने से नहीं गुजरता था। जहां दिन के समय में स्कूल पूरे तौर पर खंडर रहता था, वहीं रात होते ही स्कूल के चारों ओर भूतिया चिड़िया की आत्मा की चहल पहल शुरू हो जाती थी। कक्षा के बेंच पर बैठकर दो भूतिया चिड़िया की आत्मा आपस में बात कर रही थी। सुंदरी, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता, चल जल्दी चल वरना पूरी कक्षा में मेरी खिल्ली उड़ जाएगी। दोनों भूतिया स्टूडेंट कक्षा से सीधा स्कूल में बने शौचालय के पास पहुंचती है, जिसके बाहर कुर्सी लगाए हुए भूतिया टुन्नू चिड़िया की आत्मा बैठा हुआ था। जैसे ही टुंटुनी शौचालय की ओर बढ़ती है,
भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कहाँ बड़ी चली जा रही है? क्या तुझे पता नहीं कि इस शौचालय में भूतिया चिड़िया की आत्मा के जाने पर पाबंदी है? मुझे बहुत तेज का प्रेशर आ रहा है, मुझे शौचालय के भीतर जाने दो। चल निकल यहाँ से, मैदान में जा तू शौच करने। जहाँ भूतिया चिड़िया की आत्मा के लिए शौचालय जाना मना था, वहीं दूसरी ओर सभी भूतिया स्टूडेंट को शौचालय जाने के लिए कर चुकाना पड़ता था। देर रात वो भूतिया टुन्नू चिड़िया की आत्मा स्कूल की सीमा से निकलकर गांव में बने कड़कनाथ सेठ की हवेली पर आकर कहता है, ये लो मालिक, शौचालय से कुल मिलाकर आज इतनी कमाई हुई है। शाबाश मेरे भूतिया शेर, ऐसे ही मेरे लिए काम करता रहे, मैं तुझे बेशुमार खाने को दूंगा। असल मायने में भूतिया स्कूल और वहाँ बने शौचालय के बाहर बैठे भूत पर भी कड़कनाथ सेठ का कब्जा था। वो भूतिया स्टूडेंट से शौचालय जाने के बदले पैसे लिया करता था। एक दिन की बात है, भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा जो उस भूतिया स्कूल की टीचर थी, सभी स्टूडेंट उसके पास शौचालय से जुड़ी शिकायतें लेकर आती है। अरे टुनटुनी, तुम दोनों का मुँह क्यों उतरा हुआ है? दिन ब दिन शौचालय की बाहर बैठी भूत की ज्यादती बढ़ती जा रही है। शौचालय एक बड़ी समस्या बन गया है। हम बेबस भूतिया चिड़िया की आत्मा जाए तो जाए कहाँ? फिकर मत करो, मैं जाकर भूतिया टुन्नू चिड़िया की आत्मा से बात करती हूँ। ये कहकर वो भूतिया टुन्नू चिड़िया की आत्मा के पास जाती है। आओ आओ भूतिया टुन्नू चिड़िया की आत्मा, तुमने मेरे कक्षा के स्टूडेंट को शौचालय क्यों नहीं जाने दिया? मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे प्यार के दो मीठे बोल बोलने आई हो, मगर तुम तो लड़ाकू विमान बनी बैठी हो। अरे उन्हें ना जाने दिया तो क्या हो गया? तुम्हारे लिए शौचालय के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। ये सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसे जोर से थप्पड़ मारती है। आइंदा अगर बेहूदगी दिखाई ना तो तुम्हारा सड़ा गला भेजा खोल कर रख दूंगी। ये सुनकर वो अपनी शक्तियों से उसे कमजोर कर देता है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, सुनो रुक जाओ, मेरी मदद करो। तभी वहाँ से गुजर रहा बंटी कबूतर रुक जाता है। तभी गांव में रहने वाला मुखिया हरी तोता उसे अपने साथ ले जाता है। अरे वो चिड़िया कौन थी जो मदद के लिए पुकार रही थी? अरे वो चिड़िया नहीं थी, बल्कि एक भूतिया चिड़िया की आत्मा थी। और जिस जगह वो खड़ी थी वो एक भूतिया स्कूल है, जहाँ भूतिया स्टूडेंट का साया मंडराता है। वैसे आप कौन? मैं एक शिक्षक हूँ जो सरकार की ओर से इस गांव में भेजा गया हूँ, ताकि स्कूल में बच्चों को शिक्षा का प्रसार हो। रामपुर गांव में कभी भी कोई बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। हमारे गांव में केवल वही इकलौता स्कूल है जिस पर भूतिया स्टूडेंट का साया मंडरा रहा है। उस स्कूल के शौचालय के बाहर एक भयंकर भूत बैठता है, और जो वहां के भूतिया स्टूडेंट से शौचालय जाने के लिए कर मांगता है। उस भूत की भागदौड़ कड़कनाथ सेठ के हाथ में है। उस भूत के जरिए कमाई करके हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है वो। इसके बावजूद भी आप सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हम सबको साथ मिलकर उस शख्स का बहिष्कार करना चाहिए। ये गांव के बच्चों के बेहतर भविष्य का सवाल है, और उन भूतिया स्टूडेंट के इंसाफ की लड़ाई भी है। ये कहकर वो सब पक्षियों के साथ कड़कनाथ सेठ की हवेली पर जाता है और उसे पुलिस की धमकी देता है, जिसे सुनकर कड़कनाथ सेठ डर जाता है और कहता है, रुको मैं बताता हूँ, मैंने शौचालय के नींव के नीचे अपने आदमी को मारकर उसे गाड़ा है, जिसके बाद मैंने उसे भूत बनाकर शौचालय पर छोड़ दिया है। अगर वो शौचालय नष्ट हो जाए तो वो भूत मर जाएगा और सभी भूत या स्टूडेंट भी हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ये सब सुनकर सब मशाल लेकर जैसे ही शौचालय में आग लगाते हैं। ये क्या हो रहा है? मैं जल कैसे सकता हूँ? ये कैसे संभव है? भूतिया टुन्नू चिड़िया की आत्मा जलकर राख हो जाता है। भूतिया टुन्नू चिड़िया की आत्मा की खत्म होने के बाद भूतिया स्कूल के सभी भूतिया स्टूडेंट को भी मुक्ति मिल जाती है। शौचालय के खात्मे के साथ सभी भूतों का साया गायब हो जाता है। बंटी कबूतर के साहस के चलते आज उस स्कूल में एक नहीं बल्कि दो शौचालय हैं। अब स्कूल के स्टूडेंट चिड़िया को शर्मिंदगी नहीं सहनी पड़ती। काली घनी रात में एक भूतिया चिड़िया की आत्मा अपने खेत में बैठकर रो रही थी।
मैं तो अपने माँ बाप का आखिरी सहारा भी नहीं बन सकी। मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। ऊपर से ये गांव वाले मेरे खेत को कब्जे में करना चाहते हैं। वो भूतिया चिड़िया की आत्मा वहाँ बैठकर रो रही थी कि तभी उस खेत में पक्षी आ जाता है और उस खेत को देखकर बोलता है, बाप रे बाप, ये खेत कितना अच्छा है। इस खेत को मैं खरीद कर इस पर एक मॉल बना लूंगा। इस तरह मेरी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। ये सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शक्तियों से उस पक्षी को मारकर कुएं में डाल देती है। अगर इस खेत पर कोई भी अपना कब्जा करने की सोचेगा तो मैं उसे मार दूंगी। इतना कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। ऐसे ही अब 5 महीने बीत चुके थे और उस गांव में एक बहुत ही अमीर टुनटुनी नाम की चिड़िया आती है। वो मुखिया से कहती है, मुखिया जी, ये खेत कितना बड़ा है और ये जमीन तो उपजाऊ जमीन भी लगती है। मुझे ये खेत बहुत ही ज्यादा पसंद है। आप इस खेत को मुझे कितने में बेचोगे? मैं इसकी मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मुखिया उसकी ये बात सुनकर खुश हो जाता है और उसके मन में पैसों का लालच आ जाता है, जिसके बाद टुनटुनी मुखिया से जमीन को खरीद लेती है। लेकिन उस गांव में आए दिन किसी न किसी की लाश वहां पर मिलती रहती थी। अपनी गांव में इतनी सारी लाशें देखकर गांव वाले चिंता में आ गए और गांव के मुखिया के पास जाते हैं। अरे मुखिया जी, टुनटुनी ने जब से ये खेत खरीदा है तब से उस खेत में किसी न किसी पक्षी की लाश मिल रही है। हमको तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमारे गांव के पक्षियों को मार कौन रहा है। अरे हरी, वह चिड़िया तो बहुत ही भली है और बहुत पैसे वाली भी। वो किसी को नहीं मार सकती, लेकिन हमारे गांव में इतनी सारी मौत हो रही है, ये सच में चिंता वाली बात है। अरे मुखिया जी, हमें इस राज से पर्दा हटाना ही होगा। मुझे कुछ तंत्र मंत्र आते हैं, तुम कहो तो उस जमीन पर मैं एक पूजा कर दूं। गांव वाले आपस में बात कर ही रहे थे कि वही दूसरी तरफ उस खेत के अंदर कालू कौवा बैठकर रो रहा था और वो तो एक उससे बोल रहा था, हे भगवान, मैं तो इतना लाचार हूँ कि मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। मेरी बहन शादी के लायक घर में जवान बैठी हुई है, मेरी माँ बूढ़ी हो रखी है, मेरे पास इतने सारे पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी बूढ़ी माँ और जवान बहन को दो वक्त की रोटी खिला सकूं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। उसकी बात सुनते ही टुनटुनी वहाँ आ जाती है और उससे बोलती है, सुनो, तुम और तुम्हारे घर वाले भूखे नहीं मरेंगे। ये जितनी भी जमीन है ये आज से तुम्हारी है। तुम इस पर खेती करना और इस जमीन से जो भी उपज होगी वो तुम अपने घर ले जाना। टुनटुनी उससे बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ मुखिया के साथ साथ गांव वाले भी आ जाते हैं और वहाँ पर बाबा मंत्र पढ़ने लगता है। उसके मंत्रों को उच्चारण सुनकर टुनटुनी एक बहुत ही भयानक भूतिया चिड़िया की आत्मा के रूप में बदल जाती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि वो चिड़िया नहीं भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा है। तुम तो एक बहुत ही अमीर चिड़िया थी, तुम भूतिया चिड़िया की आत्मा कैसे बन सकते हो और तुम गांव वालों को इस तरह से क्यों मार रही हो? कुछ साल पहले इसी गांव में रहती थी। मेरे माँ और बाबा बहुत ही बूढ़े थे। मेरे इस खेत में बहुत ही ज्यादा उपज हुआ करती थी। इस खेत पर सभी पक्षियों की नजर रहती थी। आए दिन मेरे पास पक्षी आते और मुझे मुँह मांगी कीमत का ऑफर देते, लेकिन मैंने अपनी जमीन बेचना जरूरी नहीं समझा, जिस कारण एक बार बहुत ही भारी बारिश हो रही थी। मैं अपने इस खेत में काम कर रही थी कि तभी मेरे ऊपर बिजली गिर गई और इस तरह से मेरी मौत हो गई। और वही दूसरी तरफ मेरे माँ बाबा भूख प्यास से मर गए, लेकिन मेरी आत्मा यही भटकती रह गई। तब से मेरे इस खेत पर कोई भी बुरी नजर रखता है तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ती। ये सब सुनकर कालू कौवा कहता है, टूनी बहन, आपने अपनी जमीन मेरे नाम कर दी है। अब आप अपनी जमीन को लेकर बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि मैं आपके इस खेत को बहुत अच्छे से रखूंगा और इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा। कालू कौवे की इस बात को सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बेफिक्र हो जाती है और वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है।